थ्री पिन प्लग एक बहुत ही कॉमन प्लग टाइप है। इंडियन स्टैंडर्ड थ्री पिन प्लग में ग्राउंड पिन और अर्थ पिन लाइव और न्यूट्रल से काफी लंबा और मोटा होते हैं। क्या आपने कभी सोचा है इसके पीछे क्या कारण है? इस वीडियो में आज इसी टॉपिक पर बात करेंगे। टॉपिक में जाने से पहले आपको मैं ये बता दूं, अगर आप एक इलेक्ट्रिशियन है, इंजीनियर है और स्टूडेंट है, अपने आप को अपडेटेड रखना चाहते हैं लेकिन पढ़ने के लिए टाइम नहीं मिलता है, तो मैं कहता हूँ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आर्थ पिन बड़ा होने का पीछे कुछ रीज़न है। इस वीडियो में एक एक करके हम उस रीज़न के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आर्थ पिन बाकी दो पिन से थोड़ा लंबा होता है तो सर्किट में लाइव पिन कनेक्ट होने से पहले ही आर्थिंग पिन कनेक्ट हो जाता है। इस तरह लेवल ऑफ सेफ्टी बहुत बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है और निकलने की टाइम सेम चीज होता है। सबसे पहले लाइव और न्यूट्रल निकलता है, उसके बाद आर्थिंग निकलता है, तो निकलने की टाइम में भी लेवल ऑफ सेफ्टी बढ़िया रहता है। आजकल कुछ मॉडर्न सॉकेट में शटर मैकेनिज्म होता है, ग्राउंड पिन फर्स्ट जाके शटर को खोलता है और साथ ही साथ लाइव और न्यूट्रल की शटर भी खुल जाते हैं। ऐसे होता है कि अगर आप पहले ग्राउंड पिन को कनेक्ट किया, ये कॉन्फर्म हो जाए, उसके बाद ही आप लाइव और न्यूट्रल को कनेक्ट कर पाएंगे, तो लेवल ऑफ सेफ्टी इसमें भी थोड़ा बढ़ जाता है, क्योंकि आप लाइव कनेक्ट करने से पहले ही ग्राउंड कर दिया और ग्राउंड जाके कनेक्ट रहता है आपकी डिवाइस की मेटल बॉडी में। अगर किसी कारण डिवाइस में लीकेज कारण है तो मेटल केसिंग लाइव हो जाता है, अगर कोई टच करे तो सॉफ्ट हो जाता है। तो अगर आप पहले ही ग्राउंड के साथ उस मेटल केस को कनेक्ट कर दिया सर्किट में लाइव कनेक्ट करने से पहले ही, तो शॉक लगने का कोई चांस ही नहीं रहेगा। ये तो क्या आर्थ पिन को लंबा बनाने का कुछ रीज़न, आप बताते हैं इसको मोटा बनाने का कुछ रीज़न। देखिए, अगर आप गलती से आर्थ पिन को लाइव में और कहीं दूसरा पिन में कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप गलती से भी कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। अगर आप गलती से मान लीजिए ग्राउंड पिन को लाइव में कनेक्ट कर दिया तो क्या होगा, आपका डिवाइस का केसिंग लाइव में आ जाएगा, तो बहुत डेंजरस हो सकता है। लेकिन अगर मान लीजिए अगर ग्राउंड पिन थिक नहीं है, थिन है, तो क्या होगा, आप एक बड़ी होल में एक छोटी चीज़ घुसा सकते हैं लेकिन छोटी होल में बड़ी चीज़ नहीं घुसा सकते हैं। इसीलिए ग्राउंड पिन को मोटा किया जाता है। और दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू यह है कि करंट हमेशा लो रेजिस्टेंस की पाथ में ही फ्लो करता है। मान लीजिए डिवाइस में शॉर्ट सर्किट है, लीकिंग है, तो क्या होगा, वो करंट आर्थ में बह जाएगा, फ्लो कर जाएगा। तो मोटा होने से क्या होता है, आर्थ रेजिस्टेंस कम हो जाता है, वोल्टेज ड्रॉप भी कम हो जाता है, एक लेवल ऑफ सेफ्टी इंक्रीज करता है। बेसिकली यही चार रीज़न है एक आर्थ पिन को मोटा और लंबा करने के लिए। अगर आपको इसे बाहर कुछ पता है तो कमेंट में ज़रूर लिखिए। मुझे उम्मीद है इस वीडियो में आपको कुछ जानने को मिला है। अगर आपको पसंद आया इस वीडियो तो लाइक कीजिए, अगर नहीं आया तो डिसलाइक कर दीजिए। और मैं फिर से आपके लिए एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आऊँगा, तब तक के लिए बाय बाय।